हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट एटन ऑफ प्लगइन्स। एंड प्लगइन्स से गेम तो एनहांस हो गई, साथ में आप लोगों को गेम का एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल मिलेगा। ये सारे प्लगइन आप लोग अपने सर्वर में इजीली ऐड कर सकते हो, और ये सारे प्लगइन एटन ऑफ पे ये तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ, इन प्लगइन को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और यार इनकी इन्फो निकालने जाओगे तो भाई ऐसी की तैसे तुम्हारी हो जाएगी। लाइक इतना ज्यादा मेहनत और टाइम लगेगा ना, तो यार तुम लोग वीडियो को एंड तक देखना जैसे कि तुम लोगों को प्रॉपर प्लगइन का इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपना और ना ही मैं फेम ले रहा हूँ, बस यही एक कारण है जिसकी वजह से टॉप 10 प्लगइन की वीडियो बहुत लेट होती है। मैंने आप लोगों को बहुत बार सर्वर क्रिएट करना सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी ये टॉपिक को कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक है। अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते कि कैसे सेटअप किया जाता है सर्वर, तो आप लोग सिंपली मेरी ओल्ड वीडियो देख सकते हो प्लगइन्स की, आप लोग इजीली समझ जाओगे। नंबर 1 पे प्लगइन है, उसका नाम है रियल टाइम। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहां पे नंबर 2 में आ जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। ये प्लगइन रियल टाइम और गेम के टाइम को लिंक करता है। अगर रियल वर्ल्ड में 1 PM हो रहा है तो माइनक्राफ्ट में भी 1 PM होगा। ये प्लगइन मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया, तुम लोग इसका यूज अपने सर्वर में कर सकते हो। नंबर 2 पे प्लगइन है, उसका नाम है बैश रूल। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहां पे लिख देना बैश रूल, नंबर 1 में आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। वेलिंदा केस अगर ये वर्क न करे तो तुम लोग इसका अल्ट यूज कर सकते हो, जो कि ऑटो टूल। इस पे जाना, इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। इस प्लगइन की हेल्प से तुम लोग जिस भी चीज को माइनिंग कर रहे हो, लाइक डायमंड्स, कोल, या फिर कट कर रहे हो वुड्स, या फिर सैंड वगैरह को कलेक्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में बैश टूल तुम्हारे लिए जो होगा वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। एग्जांपल के लिए अगर तुम लोग डर्ट कलेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये शवल इक्विप कर लेगा, और स्टोन माइन कर रहे हो तो पिकेक्स इक्विप कर लेगा। वेल नंबर 3 पे प्लगइन है, उसका नाम है टेरा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहां पे लिख देना टेरा, नंबर 3 में आ जाएगा। उस पे क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। ये प्लगइन बहुत अच्छा प्लगइन है, इससे तुम्हारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ऑटोमेटिक लोकेशन जनरेट होते रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के लोकेशन ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जनरेट होते रहेंगे। वेल नंबर 4 पे प्लगइन है, उसका नाम है रेड प्रोडक्ट। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहां पे लिख देना रेड प्रोडक्ट, नंबर 1 में आ जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। ये एक एंटी ग्रीप प्लगइन है, जैसे कि तुम लोगों के सर्वर में अगर कोई भी हैकर डिटेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको बैन कर देगा। तो इस प्लगइन का यूज तुम लोग जरूर से जरूर करना, जैसे कि तुम लोगों के सर्वर में कोई भी हैकर ज्वाइन ना कर सके, और अगर कोई हो तो उसको इजीली बैन मिल सके। वेल नंबर 5 पे प्लगइन है, उसका नाम है विशिंग वेल। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहां पे लिख देना विशिंग वेल, नंबर 1 में आ जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। ये प्लगइन तुम लोग अपने सर्वर में ऐड कर सकते हो और विशिंग वेल क्रिएट कर सकते हो। विशिंग वेल को क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोगों को लिखना है स्लैश वेल क्रिएट और वेल का नेम, सिंपली आप लोगों का विशिंग वेल क्रिएट हो जाएगा। इसको यूज करने के लिए सिंपली प्लेयर्स को लिखना होगा स्लैश यूज, और वो कुछ भी ड्रॉप करेंगे तो उनको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और कुछ भी वो रिवॉर्ड हो सकता है। और अगर आप लोगों को इसके रिवॉर्ड्स वगैरह को चेंज करना है तो सिंपली आप लोगों को फाइल्स में जाना है, प्लगइन्स में जाना है, config.yml, और वहां पर आप लोग सारी चीजों को चेंजेस कर सकते हो। वेल नंबर 6 पे प्लगइन है, उसका नाम है फॉरेस्ट प्लांट। हम सब लोग माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ट्री को कट करते ही हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो कि ट्री को रीप्लांट करते हैं। और हमें लाइक ट्री की नीड तब पता चलती है जब हम लोग 100 डेज चैलेंज करते हैं, वो भी कोई आइलैंड पे, तब हमें असली ट्री की नीड पता चलती है। लेकिन अगर तुम लोग इस प्लगइन का यूज करोगे और फिर जब तुम लोग ट्री को कट करोगे तो वहां पर अगर कोई भी ओक सैपलिंग ड्रॉप हुई होगी तो वो रीप्लांट हो जाएगी, और तुम लोग अगर ओक सैपलिंग फेंक भी दो ना, यू नो, तो वो ऑटोमेटिक वो रीप्लांट हो जाएगी। गाइस सेव ट्रीज, पता चला मोजांग वालों ने अगले अपडेट में यही दे दिया, लाइक ट्रीज लिमिट में स्पॉन हो रहे हैं। ओके, तो नंबर 7 पे प्लगइन है, उसका नाम है LWC। इस प्लगइन को यूज करने के लिए सिंपली प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहां पर लिख देना LWC, नंबर 1 में आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। ये प्लगइन काफी अच्छा प्लगइन है, इसको अपने सर्वर में जरूर से जरूर यूज कर लेना। वेल, जैसे ही कोई प्लेयर अपना चेस प्लेस करेगा वो ऑटोमेटिक प्राइवेट चेस बन जाएगा, उसको कोई भी अदर प्लेयर उसको ऑफेंड नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो TNT प्लेस कर देना या फिर क्रीपर ब्लास्ट करवाना, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, उससे तो सामान जाता ही है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होने वाला भाई, वो लोकेशन को ना वहां तक एक ब्लॉक टूटने वाला नहीं है। तो यार ये काफी अच्छा प्लगइन है, लाइक अगर तुम लोग चाहो तो इसमें पासवर्ड वगैरह लगाना तो वो भी तुम लोग कर सकते हो, लाइक /LWC उसके बाद 2 commas, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट उसके बाद CU पासवर्ड लिख देना, तुम लोगों का चेस्ट में पासवर्ड लग जाएगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे चेस्ट को एक्सेस कर सके लेकिन तुम उसको पासवर्ड देना नहीं चाहते, तो ये भी तुम लोग इजीली कर सकते हो, /trust उसके बाद प्लेयर का नेम लिख देना, जिससे कि उसको ट्रस्ट मिल जाएगा। वेल नंबर 8 पे प्लगइन है, उसका नाम है इन्फर्नल मॉब्स। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहां पे लिख देना इन्फर्नल मॉब्स, नंबर 2 में आ जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। यार ये जो प्लगइन है ना, तुम्हारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड की डिफिकल्टी को हार्ड कर देता है। मॉब्स इतने ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाता है ना, तुम उनके सामने 2 सेकंड टिक नहीं पाओगे। मैं गया था सिंपली चेक करने की मॉब्स की कितने पावर भर है, भाई मेरे को इतना दूर से स्केलेटन मार रहा था ना, लग रहा था स्केलेटन का चच्चा आ गया। मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग इसको जरूर ट्राई करना, और तुम लोग अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हारे लिए कंटेंट है भाई, तुम लोग इस पे वीडियो बनाओ, और अगर तुम लोगों को ईजी लगे ना भाई हार्डकोर सेट कर लेना। भाई हार्डकोर में सेट कर लेना, उसके बाद वीडियो बनाना।
मैं भी देखूँ भाई तुम लोगों का कैसा गेम प्ले गया इस प्लगइन के साथ। और हाँ, मेरे को मेंशन कर देना, तब तो मेरे को पता चलेगा तुमने इस पे वीडियो बनाया है या फिर नहीं। वेल नंबर 9 पे प्लगइन है, उसका नाम है रियलिस्टिक सर्वाइवल। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली प्लगइन के ऑप्शन में चले जाना, वहाँ पे लिख देना रियलिस्टिक सर्वाइवल नंबर 1 में आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। वेल ये तुम्हारे एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। अगर तुम लोगों ने आर एल क्राफ्ट खेला होगा या फिर आर एल क्राफ्ट की वीडियो देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा कि उसमें भाई पानी तक पीना पड़ता है। लाइक अगर तुम लोग नहीं पियोगे ना तो तुम लोग मर जाओगे। तुम लोग इसको सस्ता आर एल क्राफ्ट बोल सकते हो, और जो लोग बाय नहीं करना चाहते हुए ये सस्ता आर एल क्राफ्ट खेल सकते हो और मजे ले। अगर तुम लोगों को ये सस्ता आर एल क्राफ्ट पसंद आए तो तुम लोगों को सिंपली कमेंट में आना हैशटैग सस्ता आर एल क्राफ्ट लिख के जाना है। वेल नंबर 10 पे प्लगइन है, उसका नाम है बैंडिंग। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली प्लगइन में चले जाना, वहां पे लिख देना बैंडिंग नंबर 2 पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। ये प्लगइन अल्टीमेट प्लगइन है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, बट ये जो प्लगइन है बहुत ही ज्यादा ओपी नेक्स्ट लेवल प्लगइन है। ये प्लगइन पूरे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस है। ये प्लगइन बैंड करती है 4 एलिमेंट्स को, एयर वाटर अर्थ फायर, और इसमें 3 टाइप्स के एबिलिटीज होते हैं लाइक पैसिव एक्टिव सीक्वेंस। अगर तुम लोग इसमें एलिमेंट्स को बैंड कर देते हो तो तुम लोगों को कुछ पावर्स मिलते हैं लाइक एयर पंच, वाटर मैनिपुलेशन, उसके बाद टॉर्नेडो, देन तुम लोग को और भी शॉक वेव और बहुत ही अदर टाइप्स के एबिलिटीज एंड पावर्स मिलती है। मैं तुम लोगों को एक लिंक दूंगा जहां से तुम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो एंड इसके पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को सारी प्लगइन्स बता दिया और आप लोग इसको अपने सर्वर में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो एटरनॉस से। और आप लोग मेरे को ये बताना कि आप लोगों को इसमें सबसे बेस्ट प्लगइन कौन सा लगा है। बाय द वे गाइस, आप लोग हमेशा डिमांड करते हो गेम प्ले वीडियो का, लेकिन मैंने एक गेम प्ले वीडियो अभी रिसेंटली बनाया तो आप लोगों ने देखी नहीं। वो वीडियो बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी और वो तुम लोगों को 100% इंटरटेन करेगी, तो वो वीडियो तुम लोग जल्दी से जाकर देखो एंड मेरे को बताना वो वीडियो लोगों को कैसी लगी और उस टाइप के और वीडियोस आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 500 लाइक का एम, और ये लाइक एम आप लोगों को एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हो तो मैं इससे भी नेक्स्ट लेवल टॉप 10 प्लगइन की वीडियो लाऊंगा। तो या तुम लोग इसको कंप्लीट करो, मैं भाई वीडियो बनाता हूं। और मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोगों ने 10K को फाइनली अचीव कर लिया है और सारी टॉप 10 प्लगइन सीरीज को इतना ज्यादा लव एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग इंडिया में नंबर 1 पे हैं, मतलब अगर तुम लोग सर्च करोगे टॉप 10 प्लगइन तो भाई हम लोग टॉप पे हैं। मतलब इंडिया से छोड़ो भाई, फॉरेन से भी वहाँ पे कोई नहीं, हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी एज ऑलवेज। और हाँ, मैं अभी अक्टूबर में कंसिस्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ तो बहुत ज्यादा अभी भी मजे आने वाले हैं। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, अक्टूबर के एंड तक हम लोगों को 15K को अचीव करना है। और मैंने एक न्यू चैनल बनाया है एंड्रो एक्स्ट्रा नेम से, तो तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे मैं अदर गेम्स की वीडियो डालने वाला हूं और मैं फनी मोमेंट्स भी डालने वाला हूं माइनक्राफ्ट के, तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो के साथ तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।